एक सास की तीन जादुई बहू। शीला और रमा एक दूसरे से बात कर रही थी, तभी उनकी नजरें सर पर लकड़ी की गठरी लिए जा रही बूढ़ी सीता पर पड़ती है। अरे सीता बहन, तुम्हारे तीनों निकट्टू बेटे कहाँ हैं, जो तुम इन लकड़ियों का बोझा ढोकर ले जा रही हो? अरे शीला, खेतों में बैठकर ताश खेल रहे, निकम्मों को माँ की मेहनत की जरा भी कदर नहीं कि दुख मुसीबत झेल कर कैसे उन्हें बड़ा किया। जाने दो रमा बहन, शायद मुझे गरीब के भाग्य में बेटों से सुख करना लिखा ही नहीं है, बस अब तो हाथ पांव चलते हुए मिट्टी उठ जाए। अरे मरे तेरे दुश्मन, मेरी मान तो अपने बेटों की शादी कर दे, एक बार पैरों में बेड़ियां डल जाएंगी तो जिम्मेदारी तो पड़नी ही है। शीला का सुझाव सीता के मन में घर कर जाता है, जिसके बाद वो अपने तीनों बेटे रमेश, प्रीतम और लखन की शादी हर्षिता, चांदनी और मीनल से तय कर देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। तभी सीता उदास होकर अपने गरीब से घर को देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा घर कहीं से भी शादी ब्याह का घर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझ गरीब बुढ़िया के पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं सजावट पर खर्च कर सकूं। पता नहीं इस कच्चे घर और मिट्टी के आंगन में मेरी तीनों बहुएं गुल मिल पाएंगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए सीता की आंखों से आंसू छलक जाता है। तभी एक जोगी बाबा उसके घर के चौखट पर आकर कहते हैं, माई बाबा को थोड़ा दान दे दो। लाई बाबा। सीता रसोई में रखा आखिरी राशन बाबा को दान में दे देती है। तभी बाबा वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चिंता न करो माई, तुम्हारे घर पर छाई गरीबी मिटने वाली है, बस धीरज धरो। सीता को आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और बड़े ही साधारण तरीके से सीता अपने तीनों बेटों की शादी करके हर्षिता, चांदनी और मीनल को बहू बनाकर लाती है। जहाँ हर्षिता के हाथ साधारण लोगों से कहीं लंबे थे, वहीं चांदनी के घने लंबे बालों की चोटी घुटनों से नीचे बलखाती थी और मीनल का मुंह एक खिली रोशनी से भरा हुआ था। आओ मेरे घर की लक्ष्मी बहू, इस घर आंगन में तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम तीनों थक गई होंगी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह होते ही तीनों बहुएं घर आंगन लीप कर सारा काम खत्म कर लेती हैं। तभी चांदनी कहती है, चलो अब हम तीनों अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करते हैं। मगर जेठानी जी, रसोई में तो राशन का एक भी दाना नहीं है। हर्षिता, वक्त आ गया है जब हमें अपनी असली अस्तित्व में आना चाहिए। अचानक तीनों बहुएं सर से पांव तक एक सुनहरी चमक से भर जाती हैं और देखते ही देखते मीनल का मुंह खुल जाता है और उसके अंदर से तरह तरह की स्वादिष्ट खाने की भरी थालियां निकलने लगती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में उमड़ पड़ती है और सभी खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। चलो जल्दी से खाना लगाते हैं। इसके बाद तीनों जादुई बहुओं के पति स्वाद ले लेकर खाना खाते हुए वाह वाह ही करते हैं। अरे वाह, का फंतास्टिक खाना बनाया है, अब मजा आ गया। हाँ बड़े भैया, इस घर के खाने के स्वाद के आगे तो होटल का खाना भी फेल है। अपने तीनों बेटों के जाने के बाद सीता अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, रसोई में तो बनाने को कुछ था ही नहीं, फिर इतना सारा खाना बना कैसे? वक्त आ गया है बहनों, अब हमें माँ जी को अपना सच बताना होगा। इसके बाद तीनों बहू अपनी सास के सामने अपने अंदर बसे जादुई होने की बात अपनी सास को बताती हैं। क्या सचमुच मेरी बहू जादुई बहुएं हैं? क्या मैं तुम्हारे जादू देख सकती हूँ? जरूर माँ जी, क्यों नहीं। ऐसा कहकर तीनों जादुई बहू अपनी अपनी आंखें बंद करती हैं। तभी एक बार फिर सुनहरी चमक उनके सर से लेकर पांव को घेर लेती है। ऐ मेरी जादुई लंबी चोटी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। चांदनी के इतना बोलते ही उसकी जादुई सुंदर लंबी चोटी से ढेर सारे सोने के सिक्कों की बरसात शुरू हो जाती है, जिसके बाद मीनल अपनी जादुई जुबान खोलकर स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां निकालने लगती है और हर्षिता हंसते हुए अपने हाथों को कहती है, ऐ मेरे जादुई लंबे हाथ, जाओ और ये सारी झूठी थालियां रसोई में रख कर आओ।
हर्षिता के कहते ही उसके जादुई हाथ और भी ज्यादा लंबे होकर सारे झूठे बर्तन रसोई में रखने लगते हैं। अपनी तीनों जादुई बहुओं का जादू देखकर सीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मुझे गरीब सास की झोली में तीन तीन जादुई बहुएं दी हैं। जोगी बाबा की बात सच हो गई। ये लीजिए माँ जी, इन सारे सोने के सिक्कों को बेच दीजिए ताकि मिले हुए पैसों से हम इस मिट्टी पर पक्के घर की नींव खड़ी करें। सीता उन सारे जादुई सिक्कों को सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिससे सीता और उनकी तीनों बहुएं कच्चा घर तोड़वा कर सुंदर घर बनाकर रहने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी एक रोज शीला और रमा सीता के घर आकर बोलती हैं, अरे क्या बात है सीता बहन, तुम्हारे घर बहू है कि आई, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। इतना बड़ा घर बनवा लिया और घर भोज भी नहीं करवाया। अरे कम से कम मुंह मीठा करा दो। क्यों नहीं, बताइए रमा मौसी क्या खाएंगी आप। अरे बहू तू बस खोए की खीर खिला दे। ये सुनकर तीनों जादुई बहू रसोई में चली जाती हैं। ए मेरी जादुई जुबान, जल्दी से मुझे स्वादिष्ट खोए की खीर दो। मीनल के इतना कहते ही उसका मुंह खुल जाता है और उसके अंदर से खीर की खूब सारी भारी कटोरी निकल पड़ती है। ये लो हर्षिता, जाओ जाकर ये खीर घर आई पड़ोसनों को परोसाओ। अरे उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है जेठानी जी, इसके लिए तो मेरे जादुई लंबे हाथ ही काफी हैं। ऐसा कहकर हर्षिता खिड़की से अपने लंबे हाथ में रखी खीर की कटोरी हॉल तक ले जाती है, जिसे देखकर डर के मारे रमा और शीला के पसीने छूट जाते हैं। है मोरे राम जी, ये क्या बला है। अरे सीता तेरी बहुत चुड़ैल है क्या, इतने लंबे हाथ कैसे हैं इसके। अरे रमा मेरी तीनों बहुएं जादुई बहुएं हैं, इनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, बस ये उसका ही कमाल है। फिर ठीक है। ऐसा बोलकर घर आई पड़ोसन खुशी खुशी खीर खाकर चली जाती है। मगर ये बात पड़ोसनों के पेट में कहां पचने वाली थी। उन दोनों ने सीता की बहुओं की जादुई होने की बात का पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, जिसके बाद पूरा गांव उनके घर चला आया। अरे सीता बहन, ओ सीता बहन, कहाँ हो, जरा जल्दी से बाहर तो आओ। मुखिया जी आप यहाँ। अरे सुना है तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई हैं, क्या ये बात सच है। माँ जी से क्या पूछना मुखिया जी, हमसे पूछिए। हाँ ये सच है, हम तीनों बहुएं कोई आम बहू नहीं बल्कि जादुई बहुएं हैं, और ये जादू ईश्वर ने हमारे पास गरीब इंसानों की भलाई के लिए दिया है। सच कहा बहू, मुझे तुम तीनों की मदद की जरूरत है। इस गांव की मिट्टी को विकास की जरूरत है, जो आर्थिक घाटी के कारण रुकी हुई है। यहाँ हर घर में गरीबी छाई है, सभी बड़ी बेरोजगारी में जी रहे हैं। यहाँ हर रोज कितने परिवार भूख की भट्टी में झुलस रहे हैं, हमारी मदद करो। हम आपकी मदद जरूर करेंगे मुखिया जी। ऐसा कहते हुए तीनों जादुई बहुएं आंख बंद करके कहती हैं, जागो हमारे अंदर के जादू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी के साथ तीनों जादुई बहु एक सुनहरे तेज से भर जाती हैं और चांदनी की चोटी चमक उठती है और अपने अंदर से सोने के सिक्के निकालने लगती है। ऐ मेरी जादुई जुबान, मुझे खूब सारा खाना दो ताकि मैं भूखे लोगों का पेट भर सकूं। मीनल के ऐसा कहते ही उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से खूब सारे स्वादिष्ट खाने की थालियां बाहर निकल पड़ती हैं। जिसके बाद हर्षिता अपने जादुई लंबे हाथ करके उस खाने की थालियां गरीब लोगों में बांटने लगती है। लीजिए सरपंच जी, ये सारे सोने के सिक्के बेचकर इन पैसों से आप गांव के विकास में लगाइए, और अगर आपको और जरूरत हो तो हम तीनों जादुई बहुएं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तत्पर और तैयार हैं। मेरी जादुई चोटी गरीबों की बदतर जिंदगी को बदलती है, तो मुझे और क्या चाहिए। और मेरे रहते किसी को भी अपना मन मारने की जरूरत नहीं, जिसको खाने का मन हो मेरे पास आकर कह सकते हैं, मैं अपनी जादुई जुबान से उन्हें वो खाना दूंगी। और अगर मेरे जादुई लंबे हाथों से किसी का बिगड़ा काम बनता है तो मैं भी तैयार हूँ। जुग जुग जियो बहू। सचमुच सीता बहन, तुम्हारी तीनों जादुई बहुओं में नेकी की परछाई झलकती है, वरना कोई भी किसी गरीब की भलाई के लिए अपना हाथ कहाँ बढ़ाता है। शुक्रिया बहुओं इस मदद के लिए। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी अपनी सास को परेशान देखकर तीनों बहुएं पूछ पड़ती हैं, माँ जी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं।
कुछ नहीं बहू, बस सोच रही हूँ कि मेरे तीनों बेटे कब ठीक होंगे, उनकी बुरी आदत कब जाएगी। माँ जी आप परेशान मत होइए, हमारे पति की मति घूमना तो हम जादुई बहुओं के बाएं हाथ का खेल है। उस रात मीनल अपनी जादुई जुबान से मिले खाने को जैसे ही तीनों के पतियों को परोसती है, उसके खाने के बाद उनकी हर बुरी आदत छूट जाती है और सीता देवी अपनी जादुई बहू और बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। शालिनी देवी अपने परिवार के साथ रहती थी जिसमें 5 बेटे और 4 बहुएं बिपाशा, मेघना, गौरी और जूली थी। शालिनी देवी की चारों बहू गोरी और सुंदर थी, इसलिए गांव के हर घर में शालिनी के बहुओं की ही सुंदरता की बातें छाई हुई थी। एक शाम शालिनी अपनी चारों बहुओं के साथ बैठकर चाय पी रही होती है, तभी बातों ही बातों में शालिनी कहती है, अरे बिपाशा बहू, मैंने तुम चारों को जो काम सौंपा था वो कहाँ तक पहुँचा, कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे माँ जी, बात तो आगे तब बढ़ेगी ना जब देवर जी लड़की पसंद करेंगे। उन्हें तस्वीरें दिखा दिखा कर थक चुके हैं, मगर उन्हें कोई पसंद आती ही नहीं, जब देखो लैपटॉप पर लगे रहते हैं। आदित्य 25 साल का हो गया है, जल्दी से जल्दी उसे शादी के लिए राजी करो। और एक बात, मेरी छोटी बहू तुम चारों की तरह ही गोरी चिट्टी और सुंदर होनी चाहिए। जी माँ जी, हम समझ गए। चारों बहुएं अपने देवर की मन पसंद खाने की चीजें लिए उसके कमरे में आती हैं। देवर जी देखो तो, मैंने आपके मनपसंद दही बड़े बनाकर लाई हूँ। मेरा खाने का मूड नहीं है भाभी। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, हम चारों ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, प्लीज खा लो। अपनी चारों भाभियों का मन रखने के लिए आदित्य उनका बनाया खाना खा लेता है, पर जैसे ही जूली शादी की बात छेड़ती है तो आदित्य का मुंह फीका पड़ जाता है। देवर जी आखिर बात क्या है, जब भी हम शादी की बात करते हैं आप चुप चुप से हो जाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि भाभी मैं किसी और से प्यार करता हूँ, कायशा नाम है उसका, वो विदेशी है। अरे तो क्या हुआ, आप चिंता मत करिए, अब वह विदेशी ही हमारी देवरानी बनेगी। शालिनी की चारों बहुएं कायशा और आदित्य की शादी करा देती हैं, मगर जैसे ही शालिनी अपनी विदेशी बहू का काला चेहरा देखती है तो वह गुस्से से भरकर अपनी चारों बहुओं पर चिल्ला पड़ती है, राम 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 बिपाशा, गौरी, मेघना, जूली, अरे ये काली पीली लड़की तुम्हें अपनी देवरानी के रूप में पसंद पड़ी थी, तुमने तो कहा था कि लड़की विदेशी है और विदेश की लड़कियां तो एकदम दूध के जैसी गोरी होती हैं, फिर ये काली क्यों है? क्योंकि माँ जी कायशा साउथ अफ्रीकन है इसलिए इसका रंग सांवला है। अरे सांवला एकदम जले उपले जैसी ये काली विदेशन, इस कोयला खदान का काला रंग देखकर मेरा तो मन खट्टा हो गया, मैं मरते दम तक इस कल्लो माई को अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहकर शालिनी गुस्से में कमरे में चली जाती है और कायशा कहती है, I know that she can't accept me because I'm not beautiful, my color is dull. कायशा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चारों जेठानियां तुम्हारे साथ हैं और हम जानती हैं कि माँ जी को कैसे मनाना है। ऐसा कहकर चारों गोरी जेठानियां अपनी काली विदेशन देवरानी के कान में कुछ गुनगुनाती हैं। अगली सुबह घंटी की आवाज सुनकर शालिनी कहती है, अरे ये इतनी सुबह सुबह पूजा कौन कर रहा है, देखती हूँ। जैसे ही शालिनी बाहर आती है तो देखती है कि उसकी काली विदेशी बहू भगवान के आगे खड़ी आरती गा रही है और साथ में उसकी चारों गोरी जिठानियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। शालिनी गुस्से से विदेशी बहू के हाथों से आरती की थाली छीन कर कहती है, अरे ओ काली विदेशन निकल अभी के अभी मेरे घर के मंदिर से निकल। सासू माम किया हुआ, मैं तो बस पूजा कर रही थी। अरे सिद्ध से हिंदी तो बोली नहीं जा रही, चली है पूजा करने, सोचा था कि मेरी छोटी बहू 36 गुणों से भरी हुई आएगी, मगर तुझ जैसी काली फिरंगी के आने से मेरी सारी सोच पर पानी फिर गया, ना तेरे पास रंग रूप है ना गुड़। अपनी सास के इस कहे पर कायशा फूट फूट कर रोने लगती है, तभी उसकी चारों गोरी जेठानियां उसे चुप कराती हुई कहती हैं, चुप हो जाओ कायशा, मत रो। जेठानी जी आपने दही खाना सासू माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे कायशा इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो क्या होगा, ये भारत देश है, यहाँ पर देसी लोग रहते हैं जहाँ हर घर में सास बहू के बीच खट्टी मिट्टी नोक झोंक होती है। अब हम चारों जिठानियां मिलकर हिंदी में तुम्हारी जुबान साफ करेंगी,
इसके बाद चारों जेठानी अपनी विदेशी काली देवरानी को अपने हाव में ढालने लगती हैं और उसे हिंदी सिखाती हैं। अपने अंदर बसे लगन के कारण कायशा कुछ ही दिनों में हिंदी में बात करने लगती है, जिसके बाद जूली और गौरी उसे देसी खाना बनाना भी सिखा देती हैं। तुम समझ गई ना कायशा, मैंने कैसे खाना बनाया? जी जेठानी जी, मैं अच्छे से समझ गई। इसके बाद कायशा सभी के लिए छोले पूरी, कढ़ी चावल और साथ में हलवा भी बनाकर खाने की मेज पर परोसती है और शालिनी खाने पर टूट पड़ती है। तभी जूली कहती है, माँ जी लगता है आपको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अरे खाना बना ही इतना जबरदस्त है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया, पेट भर गया मगर मन भर नहीं रहा। माँ जी आपको पता है आज का सारा खाना कायशा ने बनाया है, इतने खास आपके लिए इंडियन खाना बनाना सीखा है। अच्छा बना था खाना। शालिनी के मन में अपनी विदेशी काली बहू को लेकर भरी खटास धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पड़ोस ने उसके घर आती है। शालिनी, अरे ओ शालिनी, अरे तू तो बड़ी छुपे रस्तम निकली, चोरी चुपके विदेशी बहू ले आई और हमें बताया भी नहीं। अरे बताना क्या झुमरी मौसी, कल तक का इंतजार करो, कल हमारी देवरानी की मुंह दिखाई है, आप आ जाना। अरे जहाँ इतने दिन सही तो कल और सही, चल झुमरी। दोनों पड़ोसने वहां से चली जाती है और शालिनी कहती है, तुम चारों ने ठान ली है ना अपनी सास की हंसी उड़ाने की, अरे क्या जरूरत है इस काली विदेशी बहू की मोती खाई करने की। माँ जी आप हमारे होते हुए चिंता क्यों करती हैं, आप बस अपनी चारों बहू पर भरोसा रखिए। देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। मेघना कायशा को गुलाबी रंग का सुंदर सा लहंगा पहनाती और उसे शीशे के सामने बिठा कर उसका मेकअप करने लगती है। जेठानी जी आप चारों क्या कर रही है? रिलैक्स देवरानी जी, तुम बस देखती जाओ, हम तुम्हें ऐसा रेडी करेंगे, पड़ोस ने तो क्या बल्कि उनकी सारी पुश्तें भी तुम्हारे रूप में कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगी। विपाशा तुम कायशा की बॉडी पॉलिश करना, बाकी मेकअप मैं करती हूँ और तुम दोनों इसके बाल बना दो। चारों जेठानियाँ मिलकर अपनी काली विदेशी देवरानी को बड़े ही सुंदर तरीके से सजा देती हैं, जिसके बाद अपना खिला खिला खूबसूरत रूप देख कर कायशा कहती है, आई कांट बिलीव इट कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। इसमें भी कोई शक है क्या, अब चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद चारों जेठानियां कायशा को लेकर नीचे आती हैं, जहां कायशा एक एक करके सभी औरतों के पांव छूती है, जिसके बाद विपाशा उसे कुर्सी पर बिठा देती है और बारी बारी करके सभी औरतें कायशा को तोहफा देती हैं और उसकी तारीफ भी करती हैं। अरे शालिनी बहन बड़े वारे न्यारे भाग्य है तुम्हारे, अरे आजकल तो गाँव की देसी बहुएं भी दो दिन में अपना रंग दिखाने लगती है, मगर विदेशी होकर भी गुण और संस्कार से भरी हुई है तुम्हारी बहू। अपनी विदेशी काली बहू की इतनी वाहवाही सुनकर शालिनी की आंखों के आगे उस पल की छवि छिटक पड़ती जब उसने अपनी बहू को उसके काले रंग के कारण ठुकरा दिया था। और सभी के जाने के बाद शालिनी कहती है, बहू तू मुझे माफ कर देना, मैं आज तक बस रंग रूप के पीछे ही भागती रही मगर भूल गई थी कि सबसे बड़ी खूबसूरती इंसान का साफ स्वभाव होता है, तू जैसी भी है मेरे लिए मेरी खूबसूरत बहू है। ये हुई ना बात माँ जी, हम जानते थे कि एक ना एक दिन आप हमारी देवरानी को जरूर अपनाएंगी। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ जेठानी जी, आप चारों ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कभी भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं दिखाया, आप चारों बहुत अच्छी हैं। उस दिन के बाद से शालिनी अपनी चारों गोरी और एक काली विदेशी बहू के साथ घुल मिल कर रहने लगती है, साथ ही उसके मन में भरा काले गोरे का भेद भी हमेशा के लिए मिट जाता है।